सजदों पे सजदे करूं। आसमां तख्त तेरा, धरती है चौकी तेरी। आसमां तख्त तेरा, धरती है चौकी तेरी। बदला न बदले कभी, ऐसी है हस्ती तेरी। बदला न बदले कभी, ऐसी है हस्ती तेरी। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं। तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं। सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। हालेलुया। हम भाई नईम को दावत देंगे कि वो सामने आए और खुदावंद की परस्तुति में अपना जो किरदार है वो अदा करें। जब तक नईम भाई सेटिंग कर रहे हैं, हम अपने सरों को झुकाएंगे, हम दुआ करेंगे। हम अपने सरों को झुकाएंगे और हम दुआ करेंगे जब तक वो सेटिंग कर रहे हैं। सभी खुदावंद की हजूरी को महसूस करेंगे क्योंकि वो अपने वादा के मुताबिक यहाँ पे मौजूद है। उसका वादा है, जहाँ दो या तीन मेरे नाम से जमा होंगे, मैं उनके दरमियान मौजूद हूँ। हमारा ईमान है, इत्काद है, भरोसा है कि वो यहाँ पे मौजूद है, वो यहाँ पे तख्त नशीन है, उसका अब्र यहाँ पे लग चुका है, उसका पाक रू यहाँ पे जुम्बश कर रहा है। मेरे अजीजो, आज जैसे हम इस इबादत में आए, वैसे ही अपने घरों को ना लौट जाए। आज हम खुदावन से कुछ ना कुछ लेकर जाए क्योंकि वो यहां पे आपको कुछ देने के लिए मौजूद है। और मैं चाहूंगा कि एलर अर्शद साहब सामने आए, वो दुआ में रहनुमाई करें। एलर अर्शद साहब दुआ में रहनुमाई करें। हम सभी अपनी आंखें बंद रखेंगे, हम प्रे करेंगे। जब तक वो सेटिंग कर रहे हैं, हम प्रे करेंगे। एलर अर्शद साहब सामने आए, वो दुआ में रहनुमाई करें। सभी अपनी आंखें बंद करें। लेट्स प्रे टुगेदर प्लीज, लेट्स प्रे टुगेदर। मैं चाहूंगा कि भाई गैब्रियल सामने आए, वो दुआ में रहनुमाई करेंगे। भाई गैब्रियल, पास्टर गैब्रियल, वो सामने आएंगे, वो दुआ में रहनुमाई करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, ग्लोरी टू गॉड। हेवनली फादर, वी गिव यू थैंक्स।
Heavenly Father, we give you glory because none is like you. You are our Father. Your children are gathered here to adore you, to love you, to worship you, Lord. Listen to their heart today, Lord. Touch them, Lord. Lord, they came with so many requests. Listen to them, Lord, because they know that you are the one who listened to them. Today, Lord, every heart, every mind is looking upon you. Because they know that you are our Father, you are our God. And without Jesus Christ, we cannot do anything. Hallelujah. Glory to God. Khudavand tera shukr ada karta hu aaj ke mauka ke liye ki tune apni huzuri mein apne logon ko ikattha kiya. Hai pere khudavand meri minnat aur iltija hai ki tu bhala khudavand hai, tu shafqat karta apne logon se. Aaj tere log teri huzuri mein tere huzur mein aaye hain. Aaj apne logon ko ya pere khudavand tu apne itminan se, apne sukoon se, apni shadmani se, apni khushi se bharna hai pyare khuda. Hame teri zarurat hai, kal se zyada hame teri zarurat hai Yesu ji, kyunki hum ye jante hain ki pyare khudavand hame sirf aur sirf Yesu ke wasile hi nazar mil sakte. Hame aasman ke tale aur zameen ke upar sirf ek hi naam hai jo bakhsha gaya, aur wo naam Yesu hai, और जिसके वसीले से नजात है. आज उस नाम के वसीले से यीशु जी, आपने अपने शागिर्दों से कहा कि मेरे नाम से जो चाहोगे हो जाएगा. आज तेरे लोग तेरी हजूरी में इकट्ठे हैं, तेरे नाम से मांगते हैं. आज मैं दुआ करता हूँ इस घर के लिए, तेरे खादिम पास्टर दिलावर के लिए. तू इसके दिल की तड़प को जानता है तेरे खुदावंद. ये तुझे सर्व करना चाहता है, अपना जोर बख्शना है पेरे खुदावंद, और इसको है पेरे खुदावंद नजात के लिए अपना वसीला बनाना. बहुत सारे लोग इस घर में आए हेलो, और है पेरे खुदावंद हेलो तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले नजात पाए. आज की सारी ही इबादत के लिए, आज की सारी शाम को है पेरे खुदावंद तेरे पाक रूह के सपुर्द करता है. शुरू से लेकर अख्ताम तक या पेरे खुदा तेरा पाकर तसल्लत करे. हमारी सारी या पेरे खुदावंद मिन्नतों को, इल्तजाओं को हमारे मांगने से पहले ही तू जानता है. तेरे कलाम में लिखा है कि तुम कहना छिकोगे तो मैं तुम्हारी सुन लूंगा. हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड. या पेरे खुदावंद आज के दिन के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, और जितने अभी तेरे घर में आ रहे हैं पेरे खुदावंद उनको सलामती से अपने घर तक लेकर आना. तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं. आए हम ब्रदर नईम के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे. आमीन. तू यहोवा है. हालेलुया. यहोवा मेरे खुदावन बुजुर्ग नाम तेरा, सभी अपने हाथों का इस्तेमाल करें, सभी मिलकर भाई के साथ गाएंगे. ये गीत नया है, लेकिन पहले हम भाई को सुनेंगे, फिर इनके साथ मिलकर हम गाएंगे. यहोवा मेरे खुदावन बुजुर्ग नाम तेरा, जमी पे सारी मेरे रब है, चर्चाम तेरा. यहोवा मेरे खुदावन
बुजुर्ग नाम तेरा, जलाल तेरा फलक पर खुदाया कायम है, जलाल तेरा फलक पर खुदाया कायम है, ये सारी धरती तेरी है, ये आसमान तेरा, अपने हो ये तो सारी धरती तेरी है, ये आसमान के लिए है तेरा, जिसने हमें इसलिए बनाया कि हम उसकी हमद कर सकें, हम उसकी परस्तिश कर सकें। बुजुर्ग नाम तेरा, तेरे ही होंठों ने पैदा किया हर एक शय को, तेरे ही होंठों ने पैदा किया हर एक शय को, ये आसमां चांद तारे ये सब जहान तेरा, ये आसमां चांद तारे ये सब जहान तेरा, यहोवा मेरे खुदावन बुजुर्ग नाम तेरा। मुखालिफों को दिखाइयूं अपनी कुदरत है, मुखालिफों को दिखाई यूं अपनी कुदरत है, के शीर खारों के लब से बहे जलाल तेरा, के शीर खारों के लब से बहे जलाल तेरा, यहोवा मेरे खुदावन बुजुर्ग नाम तेरा, जमीन पे सारी मेरे रब है चर्चाम तेरा, यहोवा मेरे खुदावन बुजुर्ग नाम तेरा, बुजुर्ग नाम तेरा, बुजुर्ग नाम तेरा। हालेलुया। मेरे अजीजों, बहुत ही अच्छा भाई ने गीत गा रहे थे। अगर हम बाइबल मुकद्दस का बखूब मुतालिया करें तो हम यूहन्ना की अंजील में देखते हैं कि इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के सभी बोलिए कलाम खुदा के। मेरे अजीजों, जब
कोई ना था तो यीशु था, जब कोई ना होगा तो यीशु होगा। जमाने आएंगे, बीत जाएंगे, लोग आएंगे जाएंगे, मेरा और आपका जो आका है रबाना खुदावंद यीशु मसीह है, वो अब तक कायम है, वो अजल से है। अजल उसे कहते हैं जिसका ना तो कोई शुरू है और ना कोई आखिर है। मेरे अजीजो, खुदावंद यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो उनकी जुबान मुबारक से ये लफाज सादर हुए, क्या बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। आपको खुदावन ने यह मौका दिया। बहुत से लोग कोई काम पे है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, लेकिन आपको खुदावन ने यह शरफ अनायत किया कि आप ये वक्त उसकी हजूरी में बता सके। आए हम लास्ट गीत सुनेंगे सिस्टर अम्बरीन से। मैं दावत करूंगा कि जल्दी जल्दी से आ जाएं। हम ये लास्ट गीत सुनेंगे। सिस्टर जो गजल गाने लगी हैं ये मेरी लिखी हुई है और मेरे जो डैड हैं उनकी कंपोजिशन है। सो इन्होंने रिकॉर्ड भी किया और बहुत जल्द क्रिसमस के बाद रिलीज करेंगे। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आप सभी तशरीफ रख सकते हैं, सभी बैठे। सबसे पहले मैं पास्टर दिलावर को अपनी और मेरे हस्बैंड एडविन और मेरी सारी फैमिली की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन कहती हूँ इनकी नई क्लीसिया के लिए, और हम दुआगो हैं कि खुदावंद इनकी क्लीसिया को बढ़ाए और खुदावंद में इनकी क्लीसिया बहुत ज़्यादा तरक्की करती जाए। गीत जो मैं गाने वाली हूँ अभी, इसका नाम है झुका है सर सजदे में। जैसे आपको पास्टर दिलावर ने बताया कि ये उन्होंने लिखा है और ये बहुत जल्द रिलीज़ होगा हमारे चैनल पे एडविन एंड महरीन्स वर्शिप सर्कल पे। और मैं आप सबको इनक्रेज करना चाहती हूँ कि प्लीज़ हमारे चैनल को विज़िट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि ये खुदावन को ग्लोरी देने का काम है। आमीन। एडवन भाई अगर नहीं चल रहा तो कामरा भाई के साथ प्रैक्टिस है सिस्टर की, तो कामरा भाई को दावा दे दे। ओके ओके। हमारी बहन को खुदावंद अपने जलाल के लिए कसर से इस्तेमाल कर रहा है। ये अभी इनके दो तीन इन्होंने जबूर और गीत किए हैं और ये आपको भेजेंगे, आप खुद भी सुने और दूसरों को भी भेजे। और इन्होंने बड़े खूबसूरत गीत गाए हैं, आप दूसरों तक भी पहुंचाए ताकि और लोग भी सुनकर खुदा उनके कलाम से बरकत को हासिल कर सके। इसके बाद हमारी बहन है सिस्टर कोमल, वो गीत गाना चाहती है, तो मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि सिस्टर के बाद आप रेडी रहें और जब ये ख़त्म करेंगे तो आप आ जाइए।
सर सजदे में तेरे है मेरे मसीह झुका है सर सजदे में तेरे है मेरे मसीह तूरे सवारा है बिखरे हुओं को ए मेरे मसीह झुका है सर सजदे में तेरे है मेरे मसीह झुका है सर सजदे में तेरे है मेरे पर है मेरे मसीह
Recording in progress. लास्ट गीत होगा सिस्टर कोमल जो गाने को हैं, मैं लकी भाई से दरख्वास्त करूंगा कि वो सामने आए सिस्टर के साथ बजाएं, और ये लास्ट गीत होगा और इसके बाद हम अपने पास्टर्स को मौका देंगे कि वो आपके साथ खुदा उनका कलाम प्रीच करें। जोरदार तालियों में बाजी कोमल के लिए। हम जी रोहेल भाई हम आपको वेलकम करते हैं, ब्रदर जेम्स हम आपको वेलकम करते हैं, और मैं आपको बताता हूँ कि ब्रदर सैमुअल बर्ग इधर मौजूद हैं। मैंने इन्हें दावत दी कि हम अपना चर्च शुरू कर रहे हैं, हम अपना चर्च स्टार्ट कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि आप हमारे चर्च में आके तपला प्ले किया करें। तो उन्होंने कहा जी ठीक है ज़रूर, मैं आपको टाइम दूँगा। भाई सैमुअल बर्ग के लिए ज़ोरदार तालियाँ, और इनकी इन सारी मोहब्बत के लिए, इन कि उन्होंने अपने आप को खुदावंद की खिदमत के लिए पेश किया। ये और चर्च में भी जाते हैं, उधर भी करते हैं। खुदावंद सैमुअल बर्ग भाई आपको ब्लेस करे और आपको बढ़ाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। हमारे सिस्टर हैं सिस्टर कोमल, इनके जो भाई हैं जीशान रॉबर्ट साहब, खुदा ने उन्हें बड़ा ब्लेस किया है। वो मेरे बाइबल टीचर थे पाकिस्तान में, 2006 की बात है। तो खुदा ने उन्हें बड़ा ब्लेस किया हुआ है, और हमारे लिए बड़ी बायस फ़ख्र की बात है कि सिस्टर कोमल पास्टर इसके शरो साहब के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं। खुदा ने उन्हें बहुत ब्लेस किया हुआ था, आप सभी उनसे वाकिफ़ हैं। हालेलुया, मैं चाहती हूँ सब अपनी जगहों पर खड़े होकर उसके नाम की तज़ीम करें। वो जो रब्बुल अफ़ाज खुदावंद है, वो जो कौमों का रब है, आज इस दिन के लिए शुक्रगुजारी करें। उसके कलाम में लिखा है कि वो दिन हजार दिनों से बेहतर है जो उसकी बारगाह में गुजारा जाए। तो आज उसकी शुक्रगुजारी के साथ अपने हाथों को उठाकर, और खुदावन यस्सु के नाम से मैं तेरे खादिम को तेरे हाथों में देती हूँ खुदावन। पास्टर दिलावर के लिए तेरी बरकत को मांग लेती हूँ खुदावंदा। मैं चाहती हूँ कि खुदावंद इस खिदमत में जब तू उसको लेकर आया है, तो खुदा तू उसको आगे भी लेकर जाएगा, और वो बल देगा जो तूने मूसा को दिया, जो तूने दाऊद को दिया। जिस तरह दाऊद ने हर जंग को जीता खुदावंद, तू अपने हादम के साथ खड़ा रहे, और इसकी हर एक बैटल में खुदावंद तू उसके साथ खड़ा रहे, और जब तू उसकी जंग लड़ेगा तो यस्सु के नाम से यह फतह पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। रबारा संदिलारा सिखिलेरी बीरी तिंगला मारा जारी शोरा बारा सखिलेरी बीरी तिंगला सोरा। आए अपने हाथों को उठाकर उस रब्बुल अफ़ाज की ताज़ीम करें, वर्शिप में आगे बढ़ेंगे। पहाड़ों से कहो मैदान हो जाए, तूफानों से कहो अभी थम जाए, पहाड़ों से कहो मैदान हो जाए, तूफानों से कहो अभी थम जाए, ये सुनाम में इतनी कुवत है, ये सुनाम में इतनी कुदरत है, ये सुनाम में इतनी कुवत है, ये सुनाम में इतनी कुदरत है, ये सुनाम, ये सुनाम, ये सुनाम में इतनी कुवत है, ये सुनाम, ये सुनाम, ये सुनाम में इतनी कुदरत है। हम जिंदा खुदा को मानते हैं, फौजों के रब को जानते हैं, हम जिंदा खुदा को मानते हैं, फौजों के सभी ताली बजा सकते हैं, जानते सभी शिष्य के साथ गा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो यहोवा खुदा है
जिसके कहने से मुर्दे कब्र से बाहर आ जाते हैं, जिसके कहने से तूफान रुक जाते हैं, वो कुदरत वाला खुदा है, उसकी आवाज में कुदरत है। सभी मिलकर गाएं, सिस्टर के साथ सभी मिलकर गा सकते हैं। ये सुनाम में इतनी कुवत है, ये सुनाम में इतनी कुदरत है। एलिया के खुदा सुन हमारी दुआ, एलिया के खुदा सुन हमारी दुआ, भेज आगे यहाँ और कुवत दिखा, भेज आगे यहाँ और कुवत दिखा, तेरे रू की बारिश बरसे यहाँ, रू से भर दे हमें जिंदा खुदा, तेरे रू की बारिश बरसे यहाँ, रू से भर दे हमें जिंदा खुदा, ये सुनाम में इतनी कुवत है, ये सुनाम में इतनी कुदरत है। मैं चाहती हूँ आप सब मिलकर मेरे साथ गाएं, वो यीशु नाम जो बंधनों को तोड़ता है, वो यीशु नाम जो रिहाई बख्शता है। हालेलुया। जो अंधों की आंखें खोलता है, जिस नाम में गूंगा बोलता है, जो अंधों की आंखें खोलता है, जिस नाम में गूंगा बोलता है, लंगड़े जिस नाम में चलते हैं, जो बंधन सारे खोलता है, लंगड़े जिस नाम में चलते हैं, जो बंधन सारे खोलता। For him in absentia, praise the Lord. Also, we're looking forward to seeing our pastor Shola Akinshelure, also in Queens area as well here. Let's put our hands together for him. Amen. God bless you. And of course, you already know Pastor Ahmed and his wife. They are also here with us. Praise the Lord. And also Pastor Shegun Abisuga and his wife are also here with us. Praise the Lord. And other ministers that are here, let's put our hands together for them as well. Thank you and God bless you. Amen. Let's put our hands together for Jesus. Amen. Praise the Lord. Praise ye the Lord. The Lord is good. खुदावन भला है. What a marvelous day. बहुत ही अच्छा दिन है. We thank the Lord for the privilege to be here tonight. हम खुदावन का शुक्रगुजार हैं कि उसने ये मौका दिया. I have a rare privilege. और मुझे मैं बहुत खुश हूँ. To introduce to you. आपके साथ मुतारिफ करा के. Someone that loves the Lord. Someone that loves the Lord. कोई ऐसा जो खुदावन से प्यार करता है. Someone that is passionate for the gospel. जो खुदावन के काम के लिए बहुत ही आग रखता है. If you look at our logo there, achieving heaven's goal. अगर आप अपना हमारा लोगो देखें. And that heaven's goal is going to the world and preach the gospel and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. तो उस पे लिखा है कि आसमानी मुकाम तक पहुंचना, और हमारा ये मकसद है कि हम कलाम को, उसके प्रचार को आगे लेकर जाएं, खुदा उनके कलाम को फैलाएं। I was actually planning to call him to let him know that we have plans to travel to Texas this weekend. मैं चाहता था कि वो करें, लेकिन उनका प्रोग्राम है टेक्सास जाने का इस वीकेंड पे। But when I heard he was coming, I said that plan has to be scrapped. लेकिन जब मुझे पता चला कि वो आ रहे हैं, तो मैं समझ गया था कि प्लान चेंज है। Paul the apostle talked about six virtues that you see in a great man of God.
Paul the Apostle talked about virtues that you see in a great man of God. Paulus Rasul kalam e muqaddas mein likhte hain ki ek khadim mein kya khubiyan honi chahiye. Righteousness. Rastbazi. Love. Mohabbat. Faith. Iman. Steadfastness. Parhezgari. Gentleness. Haleem hona. Godliness. Aur khudaon se mohabbat karna. These are the virtues I see in this man of God. Ye wo khususiyat hain jo ek khadim mein honi chahiye. A man that is passionate for the word of God. Aur wo khudaon ke kaam ke liye aage hona chahiye. And it's my rare privilege. Aur ye mera fakhr hai. A man that left so many things to serve the Lord. Jisne apna bahut kuch chhod diya khudaon ke liye. He has been in the Philippines. Wo Philippines mein the. Making sure that the gospel is preached in that nation. Aur wo chahte the ki khudaavand ka kalam wahan phailaya jaye. And if you'll be watching the GCK, you'll see him all over the place. Aur agar aap GCK dekhe to aap use har jagah dekhenge. Tonight I want you to join me. Aur main aapko daawat deta hoon. As we rise on our feet. Ki apne kadmon pe khade hokar. Please let's all rise and we put our hands together as we welcome to the pulpit our regional overseer, Pastor Michael Dada. Hamare regional seer Pastor Michael Dada ko वेलकम करें. आपकी जोरदार तालियों में जोरदार तालियां. और आपको पता है कि हम अपने मेहमानों को कैसे वेलकम करते हैं. और मैं चाहूंगा कि भाई सैमुअल और ब्रदर शकील सामने तशरीफ रहे हैं. वो हमारे जो आज के मेहमान हैं, हमारे जो रीजनल ओवरसीयर हैं, उन्हें वेलकम करें. आपकी जोरदार तालियों में मैं ब्रदर सैमी को दावत दूंगा. जोरदार तालियों में. जी ब्रदर शकील, आपकी जोरदार तालियों में, तालियों में स्टॉप ना हो. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise, praise, praise the Lord. Wow, this is wonderful. I wish I can see myself in the mirror. I wasn't expecting this. But praise be the name of the Lord. Well, since they put this on me, I will just go ahead and preach like this. Amen. And if you are Pakistani, praise the Lord. Agar aap Pakistani hai to khudaon ki tamjeed boliye. Amen. Hallelujah. Amen. Okay. I'm going to sing in Pakistani language. Aur main. And so, if you know the song, you sing with me. Oh, they took the keyboard away. Okay, we'll sing without keyboard. Praise the Lord. Are you ready? You ready? Are you sure? Okay. Rabbi kini huwe sana omesha. Rabbi kini huwe sana. Rabbi kini huwe sana omesha. Rabbi kini huwe sana. Praise the Lord. Thank you. Amen. We bless the name of the Lord for bringing us here this evening.
Where is my interpreter? I'm here. Right here. All right. So we bless the name of the Lord for bringing us here this evening. Aur main khuda unka shukr guzar hoon ki wo hame aaj yahan ikattha kiya usne. What is happening today is prophetic and is symbolic. Aur jo aaj sham yahan ho raha hai wo nabuvti hai. It is a fulfillment of the plan and the purpose of God for us in our dispensation. Aur ye khudaon ke us bade mansoobe ki kamiliyat hai jo jiska hum hissa ban rahe hain. It is a fulfillment of the great commission. Aur ye khudaon ke ahd e azam ke bare mein hai. And we bless the name of the Lord for our beloved Pastor Dilawar, whom the Lord has sent to this country for such a time like this. और मैं पास्टर दिलावर के लिए इस बात की तारीफ करता हूं कि वो इस जगह पर इस काम को करने के लिए तैयार हैं। Please, for those of you still standing, you may have your seats. Thank you so much. Again, we bless the Lord for Pastor Dilawar that the Lord has brought here at a time like this. और मैं खुदावंद का पास्टर दिलावर के लिए शुक्रगुजार हूं कि वो खुदावंद उनके वसीले से ये वक्त लेकर आए। Without any doubt, the vision needs a man, and the man needs the vision. और बगैर किसी शक के मैं ये बताना चाहता हूँ कि vision आदमी से है और आदमी vision के लिए. And what we are doing today is a combination of both the vision and the visioner. और मैं आज जो आपके सामने पेश करना चाहता हूँ उसमें vision और visioner दोनों शामिल हैं. And we are going to be going straight into the proper inauguration of the church here, the Pakistani church in Long Island. और हम सीधे पाकिस्तानी चर्च जो कि लॉन्ग आइलैंड में शुरू हो रहा है उसकी तरफ चलेंगे. And we expect that everybody present here with us will be part of this inaugural service. और मैं ईमान रखता हूँ कि जितने यहाँ मौजूद हैं वो इस चर्च इनॉग्रेशन सर्विस का हिस्सा हैं. Tomorrow will be the very first Sunday for this church in this locality. कल इसी चर्च में इसी जगह पर हम संडे सर्विस करेंगे. When I got to know of Pastor Dilawar being here in Long Island, I wasted no time in reaching out to him. और मैं जानता था कि पास्टर दिलावर यहाँ रह रहे हैं लॉन्ग आइलैंड वाली जगह की तरफ और मैं उनसे मिलना चाह रहा था. And just like Pastor Ahmed said, I contacted him because he's our regional church planting coordinator. And I told them, quickly go to New York, locate him, meet with him, and bring me word. और जैसे पास्टर ने पहले बताया, वो मुझसे मिले और मैंने उनसे कहा कि वो यहाँ आएं, पास्टर दिलावर से मिलें और मुझे रिपोर्ट करें. Without wasting time, he embarked on the journey. He met with him, contacted a few other brethren, and it was a wonderful meeting together. और वक्त जाया किए बगैर वो यहाँ आएं, पास्टर दिलावर से मिले और उन्होंने मुझे बताया. And from there, another meeting was scheduled, which you were told about, and more than 60 Pakistani people were present at that meeting. और उन्होंने आकर मुझे बताया कि तकरीबन 60 के करीब लोग पहली मीटिंग में मौजूद थे. And right away, I knew that the Lord has ordered our steps, and there is no need for us to waste any time, but to move ahead and get the church started. और उस वक्त जब मुझे पता लगा तो हम वक्त जाया नहीं करना चाहते थे और हमने चाहा कि चर्च को यहाँ पे एस्टेब्लिश किया जाए. We have our leadership congress, mini congress, was that 2 months ago, and I sent for Pastor Dilawar to come over to North Carolina, and he also, without wasting time, booked his flight and came over. और हमारी एक कॉन्फ्रेंस थी और मैंने पास्टर दिलावर को कहा कि वो वहाँ पहुँचे और उन्होंने वक्त जाया किए बगैर टिकट कराया और वहाँ मौजूद हुए. We sat together and I questioned him in so many ways. Of course, I got some of the information already, but I needed to confirm things. And at the end of all those, I knew the time has come for us to start a new church in Long Island, New York. और हमने उनके साथ मुलाकात की और बहुत से सवालात किए और हम इस नतीजे पे पहुंचे कि हमें लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क में एक पाकिस्तानी चर्च शुरू करना है. Of course, we had to move it. This would have been done last month because I've been very, very busy over there and had to go back to the Philippines where I have been for quite some time. And so we scheduled the meeting for today. और मुझे फिलीपींस वापस जाना है खुदा उनका काम अंजाम देने के लिए, इसलिए हमने आज की तारीख फाइनल की कि इस मीटिंग को किया जाए.
and to the glory of the name of the Lord, a new thing has begun in this place in Jesus' name. और खुदावंत को जलाल मिले कि उसके नाम में हमने इस जगह पे एक नया काम शुरू किया है. I told you that I have been in the Philippines. Actually, I just came from the Philippines 2 days ago because of this inaugural service. और जैसा मैंने आपको बताया कि मैं फिलीपींस में मौजूद होता हूं और मैं सिर्फ इस सर्विस के लिए 2 दिन पहले यहां आया हूं. And those of you Pakistanis that are here, I'm here to let you know that God is here to begin something new in your life and through your life in Jesus' name. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदावंद आपकी जिंदगियों में कुछ नया लेकर आना चाहते हैं. Last year I went to the Philippines knowing nobody, no single person I knew there. I went there as a foreigner, as a stranger, and I can tell you about 3 weeks ago, we have the ministers' conference that we put together in the Philippines, and to God's glory, we had 800 ministers in attendance. और मैं जब फिलीपींस गया तो मैं एक अजनबी की तरह गया था, लेकिन पिछले साल जब हमने वहाँ कॉन्फ्रेंस की तो 800 मिनिस्टर वहाँ मौजूद थे. Do you have the program? Do you have it there with you? Sorry, you can just pass it around. That is the program we had over there. Amen. Praise the Lord. And you see Philippines Pastors and Ministers Conference. और आप इस ब्रोशर पे देख सकते हैं Pastors and Ministers Conference. We reached out to, please return it back. These ones are just says copy for the planning committee. But just for you to see what we had over there in the Philippines 3 weeks ago. और ये 3 हफ्ते पहले फिलीपींस में कॉन्फ्रेंस हुई थी. Key denominational leaders in the country were present at the meeting. और बहुत से लीडरशिप जो थी वो वहां मौजूद थी. And those of you that are here, you are not in your country, you are here in the United States, and the Lord has sent you here to do the work of the ministry in this very place. और आप अपने मुल्क में नहीं यहां मौजूद हैं ताकि खुदावंद आपको इस्तेमाल करे अपना काम करने के लिए. We have our church in the Philippines going on by the grace of God. हम फिलीपींस में अपना चर्च ला रहे हैं खुदावंत की फजल से. And we are already planning for global crusade to take place in the Philippines before the end of 2024. और हम चाहते हैं कि वहां पर एक बड़ी क्रूसेड करवाई जाए 2024 में. Of course, quite a lot of grand work still needed to be done, but I am saying all this that just like I am there as a missionary in the Philippines, and in other Southeast countries in Asia, you see yourself as a missionary here in the United States, by whom and through whom the name of the Lord will be glorified. और जैसे मैं यहाँ मिशनरी हूँ, वैसे ही वहाँ पे मिशनरी हूँ, वहाँ पे काम कर रहा हूँ, और मैं जानता हूँ कि आप जो यहाँ पर हैं, आप भी यहाँ पर एक मिशनरी ही हैं, ताकि आप खुदावंद का काम रूह और सच्चाई से करें. So it is my pleasure to stand before you to declare that Deeper Life Bible Church for the Pakistanis is starting today. और मैं इस बात के लिए खुश हूं कि Deeper Life Bible Church पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए आज शुरू हो रहा है. I'll invite to the podium here Pastor Dilawar. Where are you, please? Please come over here. Put your hands together as he comes. The longer your clap, the longer the church will go. The bigger your clap, the bigger the church will go. Praise the Lord. In this young man, I see the grace of God. इस जवान आदमी में मैंने खुदावंद की ग्रेस देखी है. I see the love of God. मैंने खुदा का प्यार देखा है. I see the passion for God. I see a man that is ready to embark on a mission for God. और मैंने एक आदमी को देखा है जो एक मिशन पर है खुदावंद के लिए. I see a man with zeal for the glory of the Lord. और इनमें बहुत ताकत है, बहुत zeal है, passion है खुदावंद का काम करने का. I see a man with the fear of God. और मैंने इसमें खुदावंद का खौफ देखा है. And a man by whom and through whom God will prosper his work in this place in Jesus' name. और खुदावंद इसके काम को यहाँ पर पूरा करेगा. This new church is going to be more than just a mere physical structure. It's more than a mere physical structure. ये एक physical structure से एक building से ज़्यादा बढ़कर है. This is going to be a symbol of faith. और ये ईमान का एक symbol है आपके सामने. A symbol of salvation.
एक छुटकारे का सिंबल, ए सिंबल ऑफ लव एंड होप इन क्राइस्ट जीसस, एक प्यार का एक ईमान का निशान यीशु मसीह के, यीशु मसीह में। द चर्च हियर इज गोइंग टू बी ए हाइडिंग प्लेस फॉर दोस दैट नीड्स रिफ्यूज, और ये चर्च उन लोगों के लिए होगा जो अपने लिए पनाहगाह ढूंढ रहे हैं। The church here on the east leadership will be a place of deliverance. और ये जगह उनके लिए छुटकारे की जगह होगी। It's going to be a healing center. ये एक हीलिंग सेंटर होगा। It's going to be a miracle center. ये एक मौजजाती सेंटर होगा। And so will you all please rise upon your feet? और मैं चाहता हूं कि आप अपने कदमों पे खड़े हों। Without much ado. और ज्यादा कुछ ना कीजिए। We quickly read together from the book of Chronicles. और हम Second Chronicles chapter 7. हम Second Chronicles chapter 7 पढ़ेंगे. Verses 15 and 16. और उसके 15 और 16 आयत. Second Chronicles chapter 7. दूसरा तवारीख. Verses 15 and 16. Can you please read for us in Urdu, and then we'll now read in English. Second Chronicles, chapter 7. Verses 15 and 16. कलामे मुकद्दस में लिखा है, अब से जो दुआ उस जगह की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे, क्योंकि मैंने इस घर को अब चुना और मुकद्दस किया है कि मेरा नाम यहाँ सदा रहे और मेरी आंखें और मेरा दिल बराबर यहीं लगे रहें। आमीन। आमीन। Now my eyes shall be open, and my ears attend unto the prayer that is made in this place. For now have I chosen and sanctified this house, that my name may be there forever. And my eyes and my heart shall be there perpetually. I need a better amen. 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 And so, Father, in the name of Jesus, let us pray. हम यीशु मसीह के नाम में दुआ करेंगे। We come before you tonight. हम तेरे पास आते हैं। In obedience to your word. और तेरे कलाम को सुनने के लिए। Commanding us to go and preach the gospel to all nations of the world. ताकि तेरे कलाम को बहुत सी कौमों और जातियों तक ले जा सकें। We have not come in our name. और हम तेरे पास आते हैं। We have not come with our wisdom. हम अपनी विज़डम से नहीं। We have not come because of our culture. हम अपने कल्चर के लिए नहीं। We have come in the obedience of faith. हम तेरे ईमान की ताबेदारी में मौजूद हैं। To honor you and to honor your word. ताकि तुझे ताज़ीम दे और तेरे कलाम को भी। And your son Delaware could have just concentrated on making money alone. और हम चाहते हैं खुदावन के हमारा तेरे साथ राब्ता हो। But he has decided to live for you and to do your will. ताकि हम तेरे लिए जिए और तेरा काम करें। And so dear Father, in the name of God the Father. तो ए बाप, हम तेरे तेरे बेटे यीशु के नाम में दुआ करते हैं। The Holy Spirit of the Lord. कि तेरा पाक रूह। And Jesus, the Son of the Almighty. और यीशु मसीह जो खुदा बाप का बेटा है। We inaugurate this church today. जो इस चर्च को शुरू कर रहा है। Deeper Life Bible Church for the Pakistanis. Deeper Life Bible Church जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए है। Establish the church, O Lord. इस चर्च को तू बना। Settle the church, O Lord. इसको खड़ा कर। Breathe upon the church, O God. और अपना दम इस पे फूंक। Every living thing grows. और जो यहाँ पे जीवित है वो और जिए। Cause this church to grow in Jesus' name. और इस चर्च को बढ़ा अपने बेटे यीशु के नाम में। Open the windows of heaven. आसमान की खिड़कियाँ खोल दे। Pour out your blessings, O Lord. और अपनी बरकतें नाजिल कर। Let people come from the north and the south. और नॉर्थ से साउथ तक। Let people come from the east and from the west. और ईस्ट से वेस्ट तक। Raise up helpers together for him in the ministry in Jesus' name. अपने खादिम की मदद कर अपने बेटे यीशु के नाम में। Through him and in your name.
इसको चला अपने नाम में. This church will go from glory to glory in Jesus name. और ये चर्च फजल से फजल तक बढ़ता जाए यीशु के नाम में. Every resources that is needed. हर एक शय जो चाहिए. Human resources. Material resources. जो भी मटेरियल चाहिए. फाइनेंशियल रिसोर्सेज. जो भी पैसे चाहिए. रिसोर्सेज ऑफ विजडम. और जो अकल हिकमत चाहिए. नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग. जो भी तेरे कलाम की अंडरस्टैंडिंग हो. फादर सप्लाई एवरीथिंग इन जीसस नेम. सब कुछ तू मुहैया कर. थैंक यू फादर. तेरा शुक्रिया. ग्लोरी बी टू योर होली नेम. तेरे नाम को जलाल मिले. अनॉइंट योर सर्वेंट. अपने खादिम को मसा कर. पास्टर दिलावर. Anoint him, O Lord, in Jesus' name. Pastor Dilawar ko Yesu ke naam mein masa kar. Bless them with the spirit of humility. Isko apni hikmat ki rooh se bhar. Bless him with perseverance. Aur apne rooh se bhar. Bless him with persistency. Aur apne piche chalne ki quwwat de. Bless him with the spirit of unity and of oneness. Aur ekjaiyat ki aur bahadri ki quwwat de. Bless him with the fear of the Lord. और अपना खौफ इसके दिल में डाल. And anoint him with the power from on high. और अपने पाक रूह की कुव्वत से भर दे. The unction to function, dear Father, bestow upon him in Jesus' name. और एक काम से दूसरे काम तक तेरे नाम में भरता जाए. Beyond his imagination. इसकी सोच से बढ़कर. Use him for your glory. तेरी worship के लिए. For his wife and children in Pakistan. और क्योंकि चूंकि इसके बच्चे पाकिस्तान में. We hand them over to you, Lord. हम चाहते हैं कि तू अपना हाथ बढ़ा. Be with them. और उनके साथ हो. Bless them. बरकत दे. Keep them. महफूज कर. And open the door for them to come over here to the United States to join their father in Jesus' name. और दरवाजा खोल ताकि वो यहाँ तेरे नाम में आ सकें. Every hindrance and obstacle on the way, take away in Jesus' name. हर रुकावट जो उनके रास्ते में है तेरे यीशु नाम में हट जाए. Thank you, Father. Jesus' name we pray. यीशु के नाम में दुआ मांगते हैं. Amen. Amen. And ladies and gentlemen, fellow ministers in the house, I present to you the pastor of the Deeper Life Bible Church, Pakistani branch here in Long Island, Pastor Dilawar. ख्वातीनों हज़रत, मैं आपके सामने पास्टर दिलावर, जो Deeper Life Bible Church पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए है. उनके पास्टर को आपके सामने मसा करता हूं. थैंक यू सो मच. वी आर गोइंग टू हियर द वर्ड ऑफ गॉड नाउ. आपका बहुत शुक्रिया. अब हम खुदावंद के कलाम की तरफ देखेंगे. एंड एज वी बिफोर यू सिट डाउन, वी आर स्टिल गोइंग टू प्रे. डोंट सिट डाउन येट. आमेन. Or maybe we should do it this way. Since I'm going to be here for the next 3 hours preaching. और चूंकि हम अगले 3 घंटे सिर्फ यहाँ पे प्रीच करने के लिए होंगे. So since I'll be standing, maybe you also you'll be standing for the next 3 hours. और शायद आपको अगले 3 घंटे खड़े रहना पड़े. So that nobody will sleep. ताकि कोई सो ना जाए. I need an amen there. Are we ready? क्या हम तैयार हैं? Okay, I will reduce the preaching from 3 hours to 2.5 hours. मैं 3 घंटे से कम करके 2.5 घंटे कर देता हूँ. Is that fair enough? क्या ये ठीक है आपके लिए? Somebody praise the Lord. Amen. Let us pray. Father, we come before the throne of grace. खुदा, हम तेरे पास आते हैं. We present ourselves unto you. और अपना आप तेरे आगे पेश करते हैं. We pray that you speak unto us now. और हम दुआ करते हैं कि अब तू हमसे बोल. That the abundance of the riches of God will flow into our lives. ताकि तेरे कलाम की बहुतात, तेरी बरकतें हम पे आ सकें. Even as we begin this new church today. और आज जब ये एक नया चर्च शुरू हो रहा है. And we all be sources of blessing. और हम चाहते हैं कि तेरी बरकत यहाँ पे जारी रहे. In Jesus name we pray. यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं. Amen. Amen. Thank you so much. You may have your seat right now in the presence of the Lord. और मैं चाहूंगा कि आप खुदावन की हजूरी में बैठ जाएं. Amen. Amen. I'll be talking on abundant life. मैं बहुत आत की जिंदगी पर बात करूंगा. Why is it that we are starting a new church? ये ऐसा क्यों है कि हम एक नया चर्च शुरू कर रहे हैं? There are so many churches in the world already.
बहुत से चर्च दुनिया में ऑलरेडी हैं. There are so many churches here in Long Island already. और लॉन्ग आइलैंड में भी बहुत से चर्च मौजूद हैं. But when you look at the number of churches versus the population of the place, you discover that the church is yet to start. और जब आप नंबर ऑफ चर्च देखें, चर्चों की तादाद देखें और लोगों की तादाद देखें, तो आपको ये पता लगेगा कि अभी भी चर्चों की जरूरत है. Last year I was in Singapore. पिछले साल मैं सिंगापुर में था. With intention of going to start a new church in Singapore. ताकि मैं सिंगापुर में एक नया चर्च शुरू कर सकूं. I knew nobody in Singapore. और मैं सिंगापुर के बारे में कुछ नहीं जानता. At the immigration they asked me which church was I going. I told them I knew no church. Who are you meeting? I knew nobody. और सिंगापुर वालों ने मुझसे पूछा कि आप किस चर्च के लिए आए हैं, तो मैंने उनसे कहा कि किसी चर्च को मैं यहां नहीं जानता. But then as I began to move from place to place, I got to this particular church, a very big church. और मैं एक जगह से दूसरी जगह जाता रहा और मैंने वहां पर एक बड़ा चर्च देखा. And I met one of the pastors there and I told him my mission in Singapore. और मैं अपना मिशन वहां सिंगापुर में स्टार्ट करना चाहता था. For your information, all through my stay in Singapore, I did not see anybody whose color looked like my own. और मैंने सिंगापुर में अपने रंग का कोई भी नहीं देखा था. And the pastor told me, why are you coming to Singapore? और पास्टर ने मुझसे पूछा कि आप सिंगापुर किस लिए आए हो? He said they have enough churches in Singapore already. I don't need to come to Singapore. और उन्होंने मैंने उनसे कहा कि मैंने सिंगापुर में बहुत से चर्च देख लिए हैं, मैं इसलिए सिंगापुर नहीं आया. And so I asked him, what is the population of Singapore? और मैंने उनसे ये पूछा कि सिंगापुर की आबादी कितनी है. Number one, he doesn't know. और मैं वो मुझे नहीं बता सके. Number two, I said, what is the population of Christianity in Singapore? He doesn't know. और मैंने उनसे पूछा कि सिंगापुर में मसीहियों की तादाद कितनी है. And so I told them the population of the country and I told them the Christian population in the nation. और मैंने उन्हें उस मुल्क की पॉपुलेशन बताई और उन्हें ये भी बताया कि इनमें मसीही कितने हैं. And so I said, can you see now, even though you think you have a lot of churches, but the churches there is just like a drop of water compared to the population. And yet, the whole population of the country is just about 6 million. और उस मुल्क की जो आबादी है वो 6 million है. और मैं उन्हें ये बता रहा था कि जो चर्च वहां मौजूद है वो एक समंदर में कतरे की मानिंद है. And so I began to preach to him from Matthew chapter 28 and from the book of Mark chapter 16. और मैंने उन्हें मरकुस की इंजील उसके 16 बाब में से बताना शुरू किया. He felt so ashamed of himself that somebody he felt shouldn't come to start a church is telling him about the Great Commission. और उनके लिए बड़े शर्म की बात थी कि कोई यहां आया है और इरशाद आजम के बारे में उन्हें प्रीच कर रहा है. I said that to say that no matter the number of churches, we have multiple number of sinners way in millions more than the churches. और मैंने उन्हें बताया कि इस जितने चर्चें मौजूद हैं उनमें बहुत से मुख्तलिफ गुनहगार जरूर ही आते होंगे. Jesus wants us to go into all the world that the abundance of God might come to every creature everywhere. और खुदावंद चाहता है कि उसके खादिम आए, उसके लोग आए, ताकि बहुत से लोग खुदावंद के नाम में छुटकारा पा सकें. That the eyes of the blind might be opened. ताकि अंधे की आंखें खुलें. That those who are deaf might hear. ताकि बहरों के कान खुलें. Those who are deaf spiritually. और जो रूहानी तौर पे मुर्दा हैं. Deaf to the truth of the gospel. ताकि उन पर उनको प्रीच किया जा सके. Deaf to the warnings of the Almighty. ताकि उनको उस खुदावंद के बारे में बताया जा सके. That people that are captives in the captivity of the enemy might be liberated. और वो लोग जो शैतान की गिरफ्त में हैं उन्हें आजाद कराया जा सके. John chapter 10 verse 10 tells us that the thief cometh not but for to steal, to kill and to destroy. योहन्ना 10:10 में लिखा है कि शैतान इसलिए नहीं आता कि कुछ और चुराए, बल्कि सिर्फ तुम्हारा एतमनान. Jesus said, "But I come." यीशु ने कहा, जब मैं आऊं, that they might have life. तो उस घर में जिंदगी होगी. Not just that they have life, but have that life in abundance. ना कि सिर्फ जिंदगी, बल्कि बहुतात की जिंदगी, हमेशा की जिंदगी. Now, we are bringing the church here that people may prosper. और हम चर्च यहाँ पे इसलिए लेकर आ रहे हैं ताकि लोग तरक्की करें. Prosper number one spiritually. रूहानी तौर पे. Prosper physically. जिस्मानी तौर पे. Prosper materially. दुनियावी तौर पे. Prosper financially.
معاشی طور پہ prosper matrimonially اور خداوند کے ساتھ تعلقات میں prosper in their career اپنے کاروبار میں if you are a child of god اگر آپ خداوند کے بچے ہیں god is not only wanting you to come to heaven he wants you to enjoy your life here on earth I need an amen there خداوند صرف یہی نہیں چاہتا کہ آپ آسمانوں کی برکتیں انجوائے کریں بلکہ دنیا کی بھی jesus said that they may have life and have it more abundantly یسوع نے کہا کہ وہ زندگی پائیں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں psalm 35 verse 27 Psalm 35, verse 27. Can you please speak? Psalm 35, Zabur, Zabur. Verse 27. Psalm number? Zabur 15, Zabur 35, or uski? All right. Since I don't know what that means. Yes. Psalm 35, verse? 5 to 7. 27. Put our hands together for my interpreter. I can tell you I've been to different countries and interpretation is not easy. Praise the Lord. The book of Psalm there says, let them shout for joy and be glad that favor my righteous cause. Yea, let them say continually, let the Lord be magnified who hath pleasure in the prosperity of his servants. جو میرے بچے معاملے کی تائید کرتے ہیں وہ خوشی سے للکاریں اور شاد ہوں وہ صدا یہ کہیں خداوند کی تمجید ہو جس کی خوشنودی اپنے بندہ کی اقبال مندی میں ہے I look at three points here. اور میں اس میں تین پوائنٹ دیکھتا ہوں The source of abundant life. ایک ایسی ہمیشہ کی زندگی Point number two. دوسرا پوائنٹ The secret of abundant life. ہمیشہ کی زندگی کا راز پوائنٹ نمبر 3 تیسرا پوائنٹ سسٹیننگ دی ابونڈنٹ لائف اور اس ہمیشہ کی زندگی کو بچا کے رکھنا اف یو ڈونٹ نو دی روٹ اف سم تھنگ یو ہیو پرابلم وِد ہاؤ ٹو ہینڈل دیٹ تھنگ اگر آپ کو کسی معاملے کی ڈیٹیلز نہیں پتا تفصیل نہیں پتا تو اسے مینٹین کرنا مشکل ہوتا ہے ایوری تھنگ دیٹ ایگزسٹ ہیز اے روٹ اے سورس ہر ایک چیز جس کی جڑ ہوتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی ایک مقام ہوتا ہے And the source of a thing will determine the quality of that thing. اور وہ جو سورس ہوتی ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کی کوالٹی کو مینٹین کرے The source of a product will determine the durability and the longevity of that product. اور اس پروڈکٹ کی جو مینٹیننس ہوتی ہے جو کوالٹی ہوتی ہے وہ اس کی سورس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے God is the author of life. خداوند ہمیشہ کی زندگی کا مالک ہے And that is why after life is over here in the world, life continue after life. اور اسی لیے یہاں پہ ہم زندہ ہیں لیکن جب ہم آسمانوں میں جائیں گے تو وہاں بھی زندگی ہوگی Because God does not die. کیونکہ خداوند مرتا نہیں No human being will die. اور اس لیے اس کے پاس جو ہے وہ مرے گا نہیں Yes, this body will die. یہ جسم مر سکتا ہے But our soul, our spirit lives forever. لیکن ہماری روح ہمیشہ زندہ رہے گی Whether in hellfire or in heaven. بھلے جہنم میں یا خداوند کی حضوری میں Because spirits don't die. کیونکہ روحیں نہیں مرتی What is making you to be who you are is the spirit inside of you. اور جو آپ ہیں وہ اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ آپ کے اندر کون سا روح ہے As we look at the source of abundant life. اور ہم ہمیشہ کی زندگی کی اس مقام کی طرف دیکھیں گے You need to understand that without God in your life is in danger. اور آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ خداوند کے بغیر آپ زندہ تو ہیں لیکن آپ کی زندگی خطرے میں ہے And you know that Jesus is the son of God. آپ جانتے ہیں کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے And he is the one that said, I came to give life. اور آپ جانتے ہیں کہ وہ اس نے یہ کہا کہ میں آیا تاکہ آپ زندگی پائیں Anyone without Christ is in crisis. ہر کوئی جو یسوع کے بغیر ہے وہ زندہ نہیں ہے And when you look at the word Christian, ہم ایک لفظ کرسچن پہ غور کریں گے you divide it into two. جو دو لفظوں کا مجموعہ ہے you have Christ on one hand. آپ کے پاس ایک لفظ ہے کرائسٹ What remains will be IAN. اور جو اس کا دوسرا حصہ ہے وہ ہے IAN. And then without Christ, I am nothing. جس کا مطلب ہے یسوع مسیح کے بغیر میں کچھ نہیں ہوں
God is source of prosperity. खुदावंद तरक्की का prosperity का खुदा है. In your body, you prosper. आपकी जो आपका जो जिस्म है वो prosper है. You are free from sicknesses and diseases. आप बीमारियों से कमजोरियों से आजाद हैं. Only God can make that happen for you. और सिर्फ खुदावंद ही ये कर मुमकिन कर सकता है. When you live a life above sin. जब आप गुनाहों भरी जिंदगी गुजारे. Only God can make that possible for you. जब आप गुनाहों से आजाद जिंदगी गुजारे तो ही खुदावंद ये करेगा. For God so loved the world. क्योंकि खुदावंद ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी. That he gave his only begotten son. कि वो अपना इकलौता बेटा बख्श दे. That whosoever believes in him should not perish. ताकि जो कुछ उस पे ईमान लाए वो मरे ना. But have eternal life. बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए. Life without an end. लाइफ ऐसी जो खत्म ना हो. That is what Jesus brought to you and brought to me. और यही है जो खुदावंद यीशु आपके लिए और मेरे लिए लेकर आया. By him were all things created. उसके नाम में हर एक चीज बनी. And there is nothing that was created that is not by him. और कुछ दुनिया में कुछ ऐसा नहीं है जो उसके वसीले से ना बना हो. The Bible says in the beginning was the word. बाइबल में लिखा है कि इब्तिदा में कलाम था. The word was with God. कलाम खुदा के साथ था. And the word was God. और कलाम ही खुदा था. By him all things were created. और उसी के वसीले से हर शय बनी. So understand that without Christ in your life is going to be in crisis. तो आपको ये समझने की जरूरत है कि खुदावंद मसीह के बगैर आपकी लाइफ कुछ नहीं है. He is the one that can prosper you. और वो इसलिए है ताकि आपको प्रॉस्पर करे. No matter what you do in this world. और वो जो आप इस दुनिया में करें. If it is not by righteousness, it will not prosper. अगर वो आप रास्तबाजी के बगैर करेंगे तो वो कभी कायम ना होगा. Yeah, you may think you are doing well for a short period of time. हाँ, हो सकता है कि वो थोड़े वक्त के लिए जरूर हो. It takes only a wind to blow in a second and everything is gone. और वो सिर्फ आंख की एक झपकी चाहिए और हवा चलेगी, आंधी आएगी और सब खत्म होगा. The Lord wants your blessing to endure. खुदावंद चाहता है कि आपकी बरकतें हमेशा के लिए रहें. Your health to endure. आपकी सेहत हमेशा के लिए रहे. Your family to endure. आपका खानदान हमेशा के लिए हो. Your prosperity to endure. और आपकी प्रॉस्पेरिटी हमेशा के लिए हो. And can I tell you something? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं. If you are a Christian. अगर आप मसीही हैं. And you know your right in Christ Jesus. और आप मसीह में ठीक चल रहे हैं. You must not be poor. I repeat that again. If you are a Christian, अगर आप मसीही हैं, and you know your right in Christ Jesus, और आप मसीही मसीह में ठीक हैं, you know your privileges, आप जानते हैं अपना इख्तियार, you know the grace of God in your life, और आप उसका फजल जानते हैं, you must not be poor. आप कभी गरीब नहीं होंगे. If you are poor, it is because you are ignorant. आप गरीब हैं इसलिए कि आपने झुटलाया है. Because the Bible says that God delights in the prosperity of his servants. और लिखा है कि खुदावंद अपने लोगों की खुशी में बसता है. Look at the book of Psalm 84 verse 11. हम जबूर 84 और उसकी 84:11. जबूर 84 और उसकी 11 आयत देखेंगे. For the Lord God is a sun and shield. The Lord will give grace and glory. No good thing will he withhold from them that walk uprightly. क्योंकि खुदावंद खुदा आफताब और सिपर है. खुदावंद फजल और जलाल बख्शेगा. वो रास्त रो से कोई नेमत बाज ना रखेगा. I'm going to read to you a passage of the scripture that you must mark in your Bible. मैं कलाम मुकद्दस में से कुछ पढ़ना चाहता हूं और मैं चाहूंगा कि आप उसे अपनी बाइबल में मार्क कर लें. I call it a combo package. मैं इसे कॉम्बो पैकेज बोलता हूं. A combo package. कॉम्बो पैकेज. It's only 5 verses. और ये सिर्फ 5 आयत हैं. And the name of Jesus has 5 letters. और ये वो है जो खुदावंद यीशु मसीह ने 5 खत लिखे. And the stones that David used in killing Goliath, David picked only 5 stones. और जब दाऊद ने गोलियत को मारा तो उसने भी 5 ही पत्थर चुने थे. And you know the Bible says that the name of the Lord is a strong tower. The righteous runs into it and is saved. और लिखा है कि खुदावंद का नाम ऊंचा बुर्ज है, जो उसमें पनाह लेता है वो बच जाता है. It is Psalm 103. और ये जबूर 103 है.
combo package verse. और ये combo package की verses हैं. Verses 1 to 5. पहली से लेके पांचवीं आयत तक. Psalm 103. जबूर 103 और उसकी पहली पांच आयत. Verses 1 to 5. उसकी पहली से लेके पांचवीं आयत तक. He says, "Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Who forgiveth all thy iniquity? Who healeth all thy diseases? Who redeemeth thy life from the destruction? Who crowneth thee with loving kindness and tender mercy? Who satisfieth thy mouth with good things, so that thy youth is renewed like the eagles?" ऐ मेरी जान खुदावंत को मुबारक है और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक कहे. ऐ मेरी जान खुदावंत को मुबारक है और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर. वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है, वो तेरी जान हलाकत से बचाता है, वो तेरे सर पर शफकत और रहमत का ताज रखता है, वो तुझे उम्र भर अच्छी चीज़ों से आसूदा करता है, तो उकाब की मानिंद असरनो जवान होता है. आमीन. आमीन. Verse 3 says, "He forgives your sins and he heals your diseases." वो तेरे सारे गुनाह माफ करता और तेरी जान हलाकत से बचाता है. So there is forgiveness and there is healing. और जहाँ वहाँ एक तरफ माफी है और शिफा है. So if you came in here today as a sinner, before you leave here, your sins will be forgiven you. I need an amen. और अगर आप गुनहगार हैं तो आपके गुनाह बख्शे जाएंगे यीशु के नाम में. If you came in here today and you are sick, I can tell you before you leave here, you will receive your healing in Jesus' name. और अगर आप यहाँ बीमार आए हैं तो आप शिफा ही पाकर जाएंगे. The Bible says, "Who redeemeth this for? He who redeemeth thy life from destruction, and crowneth thee with loving kindness and tender mercy." वो तेरी जान हलाकत से बचाता है और तेरे शफ सर पर शफकत को रहमत का ताज रखता है. It means he delivers you from evil. इसका मतलब कि वो आपको बलाओं से छुड़ाता है. And he promotes you, he crowns you, he elevates you. और आपको ऊंची जगह पे, ऊंचे मुकाम पर बैठाता है. If there is any problem in your life, अगर आपकी जिंदगी में कोई मसला any है, crisis in your life, किसी किस्म का झगड़ा है, the name of Jesus, तो यीशु के नाम में, the name of Jesus, तो यीशु के नाम में, will set you free. आप आजाद होंगे. If you have been down below in your life, अगर आप अपनी जिंदगी में बहुत नीचे हैं, you have been failing and failing and failing, और आप कभी कामयाब ही नहीं हो पा रहे, there is abundant life in Christ Jesus. तो खुदावंद में हमेशा की जिंदगी है. He will bring you up from the pits. वो आपको उस खड्डे से निकालेगा. He will lift you up high. आपको ऊंचे मुकाम पे ले जाएगा. And set your feet upon a solid rock. और आपके कदम एक ऊंची मजबूत चट्टान पे रखेगा. He will bless your outgoing and your incoming. वो आपके आने और जाने को मुबारक बनाएगा. He will favor you in everything that you do. वो आपको हर एक शय में जो आप करेंगे बरकत देगा. Oh, the Bible went further to talk about satisfaction. और कलामे मुकद्दस हमें आसूदगी के बारे में बताता है. Whatever you desire in your heart, the Lord will meet you at the point of your need. और जो कुछ आपके दिल की मुराद होगी, खुदावंद आप उसे मुहैया करेगा. The Bible says in verse 5, "Who satisfieth thy mouth with good things, so that thy youth is renewed like the eagle." और कलाम में लिखा है, वो तुझे उम्र भर अच्छी चीजों से आसूदा करता है. The Lord is the source of your life. खुदावंद ही आपकी जिंदगी का महवर है. That is why you must be born again. इसलिए हम नई जिंदगी में हैं. That is why you must give your life to Jesus. इसलिए हम अपनी जिंदगी खुदावंद को देते हैं. That is why you must become a child of God. इसलिए हम मसीह खुदा के बेटे कहलाते हैं. It's not enough to go to church, you must be born again. ऐसा नहीं कि आपका चर्च जाना जरूरी है, ऐसा है कि आपका नई जिंदगी में होना जरूरी है. If you want to go to heaven after you die here on earth, you must be born again. अगर आप आसमानी जिंदगी पर जाना चाहते हैं तो जमीन पर आपको नई जिंदगी में होना है. What does it mean to be born again? और नई जिंदगी का क्या मतलब है? You acknowledge your sinfulness. आप अपने गुनाहों का इकरार करते हैं. You repent of it. आप तौबा करते हैं. You renounce it. आप इस बात का चर्चा करते हैं. You receive Christ into your heart, into your life as your personal Lord and Savior. और आप मसीह को अपनी जिंदगी में, अपने दिल में अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं. It's that easy.
क्या ये आसान है? You don't need to pay money for salvation. आपको इसके लिए पैसे नहीं देने. You don't need to pay any pastor to be saved. आपने इस किसी पास्टर को पैसे नहीं देने के बच्चा है. Salvation is free. निजात मुफ्त है. Abundant life in Christ Jesus. हमेशा की जिंदगी यीशु मसीह में. What is the secret? और इसका राज क्या है? How can you get this abundant life? आप इस हमेशा की जिंदगी को कैसे पा सकते हैं? Number one, you must desire it. नंबर पहला नंबर, आपको उसकी ख्वाहिश होनी चाहिए. Admire it. उसके बारे में आपको पता हो. Love it. उससे प्यार करें. When you admire something, you keep looking at that thing. जब आपको किसी चीज का पता होता है, उसका उसके बारे में आप चर्चा करते हैं, तो आप उसे प्यार करते हैं. As a man, when you love a woman that you are thinking, oh, this will be good for a wife, you keep looking at that woman. अगर आप शादी करते हैं, तो आपको कोई औरत अच्छी लगती है, तो आप उसे देखते हैं. The Bible tells us in the book of Mark, chapter 11, verse 24. मरकुस की इंजील उसका 11 बाप और उसकी 15वीं आयत में लिखा है. It says, therefore I say unto you, whatsoever you desire, you desire, when you pray, believe it, you will have it. इसलिए खुदावन कहता है कि जिस चीज की तू ख्वाहिश करे, उसे मांग और वो तुझे मिल जाएगी. And then you admit and accept the possibility of abundant life. और इस बात का आप चर्चा करते हैं, इस बात का बारे में बयान करते हैं और उसे पा लेते हैं. But not just that you desire it, believe I am getting it. ना सिर्फ उसकी ख्वाहिश करें, बल्कि ईमान रखें कि वो आपको मिल गई. So tonight before you leave this place, if you believe you can be saved, you will be saved. और इससे पहले कि आप यहां से जाएं, अगर आप ये ईमान रखें कि आप बच जाएंगे, तो आप बच जाएंगे. You can do it. आप ये कर सकते हैं. I say you can do it. मैं कहता हूं आप ये कर सकते हैं. Say to your neighbor, you can do it. अपने पड़ोसी से कहें कि तुम कर सकते हो. You know why? So the Bible says in Philippians chapter 4 verse 13, I. Somebody say I. Philippians 4:13 में लिखा है मैं. Somebody say I. मैं. I can do all things. मैं वो मसीह में सब कर सकता हूं. I can do all things. मैं मसीह में सब कर सकता हूं. Through Christ that strengthens me. जो मुझे मजबूत करता है. Put your hands together for the Lord. And then you abide in the truth. और फिर आप सच में बने रहें. Once you give your life to Christ, you remain in Christ. एक दफा आपने मसीह को जिंदगी दे दी, तो उसमें बने रहें. Then you avoid erroneous teachings. तब आप इधर उधर की तालीमात की तरफ नहीं जाएंगे. You don't start going from here to there, from there to there. No, you stay on the word of God. आप यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ नहीं जाएंगे. आप मसीह के कलाम में रहेंगे. You don't want all these liars and deceivers to deceive you, to mislead you. You stay on the Bible. कोई झूठा तुम्हें गलत तालीम ना दे, बल्कि खुदा उनके कलाम में बने रहो. And then you associate with holy people, righteous people around you. और अपने साथ अच्छे और रास्तबाज लोगों के मेल मिलाप में रहे. Not just religious people. ना ही सिर्फ सिर्फ मजहबी. One of the things that encouraged me to come to this church 42 years ago was holiness that the church was preaching. और 42 साल पहले मैंने इस चर्च को इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि यहाँ पे कलाम मुकद्दस को बहुत प्योरिटी से, पवित्रता से बताया जाता था. And then you must have agreement. और फिर उसके बाद आपका एक एग्रीमेंट होना चाहिए. Agreement with God. खुदावंत के साथ. Agreement of faith yourself. ईमान का माहिदा आपके अपने साथ. Agreement with other holy people. माहिदा उन लोगों के साथ जो होली हों. That you agree that by the grace of God I can live a holy life. ताकि आप मसीह के फजल से एक पवित्रताई वाली जिंदगी गुजार सकें. You also agree with yourself that by the grace of God I will have abundant life. और आपको इस बात के लिए मुत्तफिक होना पड़ेगा मसीह में कि आप हमेशा की जिंदगी के वारिस हैं. Look at me, everybody. See, I tell people, when you wake up in the morning, go to the mirror. मैं लोगों से कहता हूं कि जब तुम सुबह उठो, तो अपना आप शीशे में देखो, आईने में देखो. When you are done taking your shower, go to the mirror. Shower लेने से पहले अपने आप को आईने में देखो. Look at the mirror. आईने में गौर से देखो. When you look at the mirror, who are you going to see in the mirror? तो आपको कौन नजर आएगा उस आईने में? Who are you going to see in the mirror? आप किसे देखेंगे? Whoever you see in the mirror. If you see me in the mirror, point to me.
अगर आप मुझे देखेंगे तो मेरी तरफ उंगली उठाइए। And say you this individual in the mirror। और जब अपने आपको आईने में देखें, you will prosper। तो आप prosper होंगे। Did you hear what I said? You point to the mirror and say you will prosper। आप आईने में देखें और कहें कि तू prosper होगा। You say you will have abundant life। तेरे पास हमेशा की जिंदगी है। Please, I'm not just pumping you up. I'm teaching you faith right now। मैं आपको ईमान की तालीम दे रहा हूँ। If you are sick in your body, अगर आप बीमार हैं, go to the mirror, आईने में देखें। You this individual, you are healed in Jesus' name, और कहें कि तू मसीह के नाम में चंगा होगा। If you have been down below, अगर आप बहुत लो हैं, नीचे हैं, say you this individual, you are promoted, और तुम आप आईने में देखकर कहें कि तू बढ़ाया जा चुका है। And you see miracle happening in your life in Jesus' name। और आप मौजज़ा होता अपनी ज़िंदगी में देखेंगे। Amen। 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 And then make sure you sow into people's lives, sowing। और लोगों की ज़िंदगियों में बीज बोना शुरू करें। What I mean by sowing is make sure you are a blessing to people around you। उसका मतलब यह है कि आपके आसपास के जो लोग हैं आप उन्हें बरकत देना शुरू करें। Always think in your mind, what can I do to be a blessing to somebody? हमेशा अपने ज़हन में यह सोचिए कि मैं लोगों के तरक्की के लिए उनकी बरकत के लिए क्या कर सकता हूं। It doesn't have to be money. यह सुबह नहीं होनी चाहिए। It can be just words of encouragement. ये सिर्फ कुछ लफ्ज होने चाहिए जो किसी को ताकत दें। It can be just visiting the person at a crucial moment of their life. और किसी के जरूरत के वक्त में आप उनके काम आए। It can be you connecting them with somebody else who can help them. और ये आप हैं जो उनके साथ जुड़ के ये काम कर सकते हैं। As you are blessing others, you are blessing yourself. आप उनके लिए बरकत मांगेंगे तो आप भी बरकत पाएंगे। That means you make yourself a servant to all men. इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को लोगों का खादिम बनाएंगे। Luke chapter 6 verse 38. लुका 6 और उसकी 38 आयत में लिखा है। It says, give and it shall be given unto you. दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। It doesn't have to be money alone. It doesn't have to be money. ये ऐसा नहीं कि सिर्फ सुबह में ही हो। It can also be money. It can be money at the same time. वो कोई और सुबह भी हो सकती है। Give it shall be given unto you. दीजिए ताकि आपको भी दिया जाए। A good measure. एक अच्छे पैमाने के साथ। Press down. उसे दाब कर। Shaking together. उसे हिला कर, छांट कर। And running over. और उसको दोबारा से भर के। Will men give unto your bosom? और उतना ही आपको दिया जाएगा। Let me explain to you what I'm talking about. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। Few days ago. कुछ दिन पहले। I sent a prayer form. Our Father in the Lord, Pastor Kumuyi, I sent it to so many people. और मैंने Pastor Kumuyi के लिए दुआ करनी थी और मैंने बहुत से लोगों को ये बोला। Just at the click of a button, I sent it to so many people. और मैंने सिर्फ एक बटन क्लिक करके बहुत से लोगों को ये दुआ भेज दी। Give, it shall be given unto you. कि दो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। And even though I am just one person that sent it to them, different people were praying the same prayer for me. और जितना जो ये दुआ मैं भेजी तो बहुत से लोग मेरे लिए भी दुआ कर रहे थे। So many people were blessing me. बहुत से लोग मुझे बरकत दे रहे थे। When you bless others, you are blessing yourself. जब आप दूसरों को बरकत देते हैं तो आप भी बरकत पाते हैं। When you are hurting others, you are hurting yourself. जब आप दूसरों के लिए सरगर्म हैं तो आप अपने लिए भी हो जाएंगे। Turn to somebody right now. किसी से कहिए ये। And say, be a blessing. बरकत का वारिस हो। Turn to another person and say, be a blessing. बरकत का वारिस हो। And the Lord will bless you. और खुदावन तुझे बरकत देगा। Amen. Put your hands together for the Lord. How can you sustain abundant life? आप एक हमेशा की जिंदगी को कैसे मियारी रख सकते हैं? You gave your life to Christ. अपनी जिंदगी खुदावन को देके। You are sowing into the lives of other people. दूसरों की जिंदगी में बीज बोके। You are doing everything that is necessary.